वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज एक नई जर्नी के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। तो आपको कहीं दूर अच्छी जगह घुमाने वाले हैं, तो उसके लिए जो जो तैयारियां की हैं वो आपको जल्दी जल्दी लंबा नहीं करेंगे। कहां जाएंगे ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन क्या लेके जा रहे हैं साथ में वो हम अभी आपको दिखाने लगे हैं। शॉर्ट में करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लगेज से। लगेज, जैकेट्स, ट्रैकिंग पैंट, गिम्बल, स्लीपिंग बैग, ये शॉवल, ये रेडमी का पावर बैंक, हुटेन गैस बैग, लाइटिंग, ये डीकैथलॉन से ली थी मैंने चेयर, तो ये प्रागो वालों से ली थी। ये टेंट है और ये टेबल, वाटर बैग और ये ऑक्सीजन का सिलेंडर, क्योंकि हाइट पे जाएंगे तो शायद इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है जी, ये पेपर स्प्रे लिए, जैसे कोई वाइल्ड एनिमल के लिए या कुछ भी समथिंग, देखते हैं। तो बाकी ये कुछ खाने पीने का सामान है, जैसे हम लोग वेजिटेरियंस हैं तो रेडी टू ईट फूड, जहाँ पे कैंपिंग करेंगे वहाँ पे कई जगह खाना नहीं हो सकता, तो आप रेडी टू ईट फूड भी ले सकते हैं। जैसे हमने MTR की कुछ आइटम्स ली है, ये कुछ पाव भाजी है, दाल मखनी है, ये जैसे पोहा शोहा, कुछ केक्स बिस्किट्स, और उसके अलावा जो आपने कुकिंग करनी है, जैसे खाना खाना है, उसके लिए ये कुछ थोड़ा बहुत सामान है, चॉपर वॉपर ये वो। सो बाकी हम कल को इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और कल को हम बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़। हाँ जी गाइज, तो रेडी नई जर्नी के लिए, तो अभी दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है, निकलने लगे हैं, सब कुछ रेडी है, द बैग इज़ रेडी। ठीक है जी, तो बैग भी रेडी है, लगेज भी रेडी है, एवरीथिंग। तो बस अब सफ़र पे मिलते हैं और मिलाते हैं आपको कि साथ में कौन है, क्या है, कहाँ जा रहे हैं। गेट सेट रेडी। तो गाइज, जर्नी के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। ठीक है जी, ये ओके, तो मिलते हैं आगे सफ़र पे आपको। ओके बाय। तो फ्रेंड्स, हम पिक करने जा रहे हैं जैज़ी को। तो जो साथ में मेरे जा रहा है वो है मेरा फ्रेंड जैज़ी, उसका अपना एक यूट्यूब चैनल है पंजाबी, तो इसमें मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो उसको पिक करने जा रहे हैं, उसका पॉइंट आ गया होगा, वो अभी दिखा रहे हैं बस आपको। उसको पिक करने के लिए मैं पहुंच गया हूँ, सो जस्ट वेट एंड वॉच। तो फ्रेंड्स, जिसका वेट कर रहे थे जैज़ी का, इसका अपना चैनल है, तो जैज़ी आ चुका है। हेलो जी, कैसे हो? तो जर्नी के लिए स्टार्ट, तो इसके चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। सो वी आर रेडी, यहाँ से निकल लगे हैं, इसको पिक कर लिया है, तो बाकी आगे की जर्नी बताते हैं आपको। तो रेडी। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं लुधियाना में यार। यहाँ से ना टायर डलवाए थे गाड़ी के, जहाँ से तो बड़ी प्रॉब्लम में है, जो पंचर किट चाहिए थी हमें, लेकिन पंचर किट मिल नहीं रही, बड़ी मुश्किल हो रही है। तो यहाँ आए हैं ऑटो सर्व वालों के, तो देखते हैं। लुधियाना में मिली है जी किट बख्शीसन वालों से, पंचर किट, इसके बिना नहीं, बड़ी मुश्किल होनी थी, तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ थी। बाकी दिखाते हैं आपको। ओके जी, चलो जी गाइस, लुधियाना पहुंच गए थे, तो अभी फास्टैग में पैसे डलवाए हैं, तो पेटीएम में हैं थे, तो अभी थोड़ी टेंशन कम है। और थोड़ा सा पीछे देखिए क्या हाल है, गाड़ी की बूट भी फुल है, डिग्गी भी फुल है, और ये पीछे भी दिखाना भाई थोड़ा, एवरीथिंग इज़ फुल। तो बड़ी मुश्किल होती है सारा कैंपिंग का सामान उठाना। बाइक वालों को मैं बोलता हूँ कि क्या बात है बाइक वालों की, जो इतना सामान बाइक पे लेके जा सकते हैं, हमारी गाड़ी में मतलब बस हो गई है। चलो बाकी आपको सफ़र दिखाते हैं आगे का। तो फ्रेंड्स, पार कर रहे हैं हम लोग, अभी क्रॉस कर रहे हैं हार्डिस वर्ड को। ये हमारा पंजाब का, आप मान लो कि सबसे पुराना, जब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, ये हमारा सबसे पुराना मतलब अम्यूजमेंट पार्क लगा लो, वाटर पार्क लगा लो, ये सबसे पुराना है। अभी तो वाटर वर्ल्ड बहुत फेमस ही है, और यहाँ रश रहता है, वो सामने झूले चल रहे हैं। तो अभी फगवाड़ा जस्ट 30 किलोमीटर रह गया है टूर पे आने वाले हम लोग,
तो बाकी दिखा रहे हैं आपको आगे। जलंधर में वेट कर रहे थे, यहाँ पेट्रोल डलवाने लगे थे बस, तो यहाँ से निकलेंगे, गाड़ी फुल करवानी है यहाँ पे, यहाँ से फिर निकलेंगे थोड़ी देर में। हम आ गए हैं पठानकोट के पास, पठानकोट 10 किलोमीटर है। तो अभी जो डिनर है अभी हम पठानकोट में करेंगे, और आपको जगह तो रिवील कर दी है कि ये है कश्मीर सीरीज। तो हम जा रहे हैं कश्मीर, कल को सुबह श्रीनगर पहुंच जाएंगे, आज ट्रैवलिंग कर रहे हैं रात को, लेकिन जो अभी डिनर है वो हम पठानकोट में करेंगे। हम पठानकोट पहुंच गए हैं, जस्ट 10 किलोमीटर्स, ओनली 10 किलोमीटर्स बाकी है, कहीं भी अच्छी जगह देख के खाना खाएंगे और आपको दिखाते हैं क्या डिनर कर रहे हैं, क्या है और कितने बजे हम वहाँ से चलेंगे, कितने बजे पहुँचेंगे, जो भी डिटेल है वो बाकी सब ब्लॉग में दे रहे हैं थोड़ी देर में आपको। लाइव में फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं पठानकोट से आगे कठुआ समथिंग है, यहाँ देसी ढाबा है, तो भी डिनर करने लगे हैं, बज गए हैं रात की 9:30। अब सुबह का खाना खाया नहीं होता, यहाँ खाएंगे, चंदन वैष्णो ढाबा है कोई, तो देखते हैं बाकी, ठीक है जी। और आपको खाने का रिव्यू बताते हैं, खाना कैसा है इनका कैसा नहीं है, तो थोड़ी देर में बता रहे हैं, थैंक यू। तो अभी टाइम हो गया यार 12 के करीब हो गए, पहुंच गए हैं जम्मू पहुंच गए, लेकिन एक गलती हो गई हमसे, जो हमारे सिम है, सिम यहाँ बंद हो गए हैं। जो भी पंजाब से या इंडिया से कहीं से भी मतलब जम्मू कश्मीर आ रहा है, तो वो पहले से अपना फ़ोन बिलिंग के ऊपर करवा के लेके आए, अदरवाइज हमारी तरह रात को आप 12 बजे अभी सिम ढूंढते फिरोगे। हम शॉप ढूंढ रहे हैं कोई हमारा फ़ोन कोई रिचार्ज कर दे या कोई इसमें कोई पैक डाल दे, तो पता लगा कि बस स्टैंड के पास है, लेकिन हम जम्मू बस स्टैंड के पास आ गए हैं। अभी यहाँ देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता, बड़ी मतलब टेंशन में है, बड़ा खराब हुए हैं, बहुत परेशान है, आधा टूर तो मतलब ऐसे ही मतलब आप मानो कि खराब हो रहा है हमारा, हमको शॉप ही नहीं मिल रही, आधा जम्मू घूम दिया हमने, 500 का पेट्रोल फूक दिया साला 50 के सिम पे। बाकी बताते हैं आपको क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, बाकी आप जम्मू देखिए कितनी तरक्की पे है, ब्यूटीफुल जी। हाँ जी भैया, तो जम्मू में खड़े हैं अभी, बड़ा ख़राब हो रहे हैं, सिम बंद हैं और कोई शॉप नहीं मिली, शॉप्स बंद हैं, सुबह मिलेंगी, तो बिना मैप्स के बिना उसके अब जाना पड़ेगा, तो मिलते हैं मॉर्निंग में, तो दिखाते हैं जम्मू तो सारा घूम लिया कहीं नहीं मिली। जय माता दी फ्रेंड्स, और ये आप सामने देख रहे हैं माता वैष्णो देवी, श्री माता वैष्णो देवी का भवन, हम ये श्रीनगर जो हाईवे है वहाँ से क्लियर दिख रहा है, देखो कितना अच्छा रात को दृश्य लग रहा है, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, देखिए थोड़ा मतलब मैं नहीं जानता इसमें क्लैरिटी कितनी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा बहुत सुंदर सब दिख रहा है। चलिए बोलिए जय माता दी, जय माता। हाँ, बनिहाल रेलवे स्टेशन के बाहर पहुँचे हैं, अभी रात के तकरीबन सुबह के 3:30 हुए हैं, और मौसम बड़ा सर्द है, बहुत ही ब्यूटीफुल बना ये जो स्टेशन है, बाकी अभी सुबह सीधा श्रीनगर ही जाके करेंगे, तो मिलते हैं आपको सबको, मौसम चल रहा है श्रीनगर में।
जैसी जी तैयार है जी। ये है नई टनल बनिहाल रेलवे स्टेशन के बाद से स्टार्ट हो रही है, जो चिनानी वाली है ना टनल, उतनी ही लंबी है, शायद उससे भी लंबी है, इसकी कोई मतलब आइडिया नहीं है, आपको गलत बताएं ये कितनी लंबी है क्या है, लेकिन नियर अबाउट 10 किलोमीटर के करीब हम आई थिंक आ चुके हैं। सो ये भी नई वाली है, काफ़ी वर्क हो रहा है कश्मीर में, काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी है, सेफ है, और स्पीड का ध्यान रखिएगा, 50 की मार्किंग है तो स्पीड कैमराज लगे हुए हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल, पहुंच गए हैं श्रीनगर, सुबह के 5:30 हो गए हैं, होटल अभी मिला नहीं है, पार्किंग में खड़े हैं, थोड़ा आवाज़ में दम नहीं है, थोड़ा थके हुए हैं, इसलिए व्लॉग अच्छा नहीं बन रहा, तो बाकी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। फ्रेंड्स तो जैसे आपको मालूम है 5:30 बजे मॉर्निंग में पहुंच गए थे, लेकिन हमारी बुकिंग नहीं थी यहाँ कोई भी, तो हमने होटल ढूंढा, अभी होटल मिल गया था, इसका भी बताएंगे कौन से रेट पे मिला, क्या मिला है, तो अभी फ्रेश हो गए हैं, तो अब नए ब्लॉग को जो भी नए ब्लॉग आएंगे श्रीनगर के वो कल से आपको मिलेंगे, और मुझे बताना प्लीज़, आप कमेंट करना कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी चाहिए उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज़ कीजिए, थैंक यू।